हम लोग के यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था, एक साल आम आता है एक साल नहीं आता है। ये बहुत दिनों से ये परंपरा चल रही थी। ये इसी तरह से मेरे दिमाग में आया, तो ये कैसा सिस्टम है, जब पौधा को कैसे मालूम है जो इस साल आना है और उस साल नहीं आना है। ये एक बहुत बड़ी सवाल मेरे अंदर में रहता था। तो सबको इन्हें बोला, नहीं ये ही सिस्टम है, यही ऐसे ही होता है। अरे तो ये तब तो धान एक बार आना चाहिए दूसरे बार नहीं आना चाहिए, मक्का एक बार आना चाहिए दूसरे बार नहीं आना चाहिए, लेकिन आम के साथ ही क्यों, लीची के साथ तो ये नहीं है। तो उसके बाद हम फिर KBK से भी बात किए, तो बोला जो आप लोग क्या करते हैं। बोले हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो बोले जो कुछ नहीं करते हैं, मैं तो कुछ तो ज़रूर करते होंगे। हम लोग सीधा हम लोग जब बगीचा होता है मोल आता है स्प्रे करते हैं। तो बोला जो नहीं, इसमें आप लोग को कुछ बगीचा को भी जोतना है और उसमें कुछ खाद देना है। तो खाद देना था, तो पहला दफ़ा मैंने आपका फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जिसमें DAP यूरिया पोटास। ये मैंने 2005 की घटना बता रहा हूँ। एक बार देने के बाद मैंने स्टॉप कर दिया और मेरे दिमाग में था मुझे जब एक्सपोर्ट करना है तो मुझे ऑर्गेनिक पे आना होगा, जैविक का काम करना होगा। ऑर्गेनिक फर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा, SOPS भी, नीम खली इस्तेमाल करके आप आज के डेट में आपके आँख के सामने में ये हरा भरा नर्सरी आपको दिखाई दे रही है। पहले हो रहा था जो उम्र हो जाता है गाछ का, तो नहीं ये गाछ 100 साल हो गया तो इसको काट देना चाहिए। तो अभी मैंने ये काट देना चाहिए, ये काटने का भी मैंने कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके हम बोलते काटिए मत, का एक पौधा को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है और वो टाइम ना आपके पास है ना किसी के पास है, तो इसको काटिए मत, इसका ट्रिमिंग कीजिए। तो हमने ट्रिमिंग के बारे में भी किसान लोग को जानकारी दी, जो आप उसको ट्रिमिंग करके उसका फिर से यील्ड आप बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह मेरी कोशिश रहती है जो भी किसान यहाँ पर आते हैं उनको सारी जानकारी उनको प्रोवाइड करना। हम लोग काम जैसे जैसे करते गए तो करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। अब बगीचा है स्प्रे करना है, तो जनरली पहले गोटोर से होता था, मैनुअली काम होता था। उसके बाद कुछ मशीन आए जो छोटी पंपिंग सेट के साथ के भी हम लोग काम किए, तो लेबर को ऊपर चढ़ना पड़ता था पेड़ में। तो मैंने इसी को सोच को रखते हुए कुछ अपना दिमाग लगाते हुए तो मैंने एक मशीन बनाई, जो मशीन आपको दिखाएंगे। और वो मशीन टोटली कबाड़ी का सामान से ही बना हुआ है, कबाड़ी से ही मैं लेके और उसको इम्प्लीमेंट करके और वो स्प्रे मशीन बनाया, जिसके माध्यम से आज मेरा कॉस्ट भी कम गया, लेबर कॉस्ट भी कम गया, टाइम कम गया। थर्ड हो गया जो दवाई का जो एक्सेस यूज होता था वो भी कम गया। पहले क्या होता था जो 2-5 ml 15 ml नाप के देना पड़ता था, अभी इसमें 1000 लीटर पानी की टैंक है जिसमें सीधा सीधी एक बॉटल खोले और उसमें डाल दिए, जिसमें क्या एक बूंद भी दवाई आपका इधर से उधर आपका बर्बाद नहीं हुआ, टोटली आपका 100% उसमें अब मेरा यूज़ में आ जाता है। और कॉस्ट भी मेरा घट गया, लेबर कॉस्ट भी घट गया।